हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिटिक्स चैनल द पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल हमेशा आपको हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। और इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइज। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ESC एंड IRMS एंड अदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज भी आपके लिए मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ पावर सिस्टम और UET एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पर। ये मेरा फोर्थ वीडियो होगा, इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूँ। अगर आप चैनल पे नए आए तो उन 3 वीडियोस को भी देख लीजिए। ऑलमोस्ट हम 130 प्लस क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में हम 170 प्लस क्वेश्चन हमारे टोटल हो जाएंगे, यानी आज के सेशन में 40 प्लस क्वेश्चन में आपके साथ डील करने वाला हूँ। तो गाइस, दिस इज अवर अनअकैडमी प्लस टीम, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, और इनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। इन सभी के साथ आप अनअकैडमी प्लस पे कनेक्ट हो जाइए। और अंकित सर, विशाल सर, शंकर भीमा सर और अजय सर, हमारा गेट और ESC का बैच भी स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस पर, उसे भी आप ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आगे चलते हैं गाइस। देखिए, काफी बच्चों को टाइम टेबल हर मंथ चेंज होता है, क्रिटिक्स चैनल पे नया टाइम टेबल आता है, तो ये एक इफेक्टिव टाइम, ये पूरा टाइम टेबल है चैनल का, आप इस पूरे टाइम टेबल को आराम से देखिए। और दूसरी बात है, इंपॉर्टेंट इसलिए शेयर किया, इसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाइए और अपनी लर्निंग को इफेक्टिव वे में करिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मेरी क्लास आपको मिलेगी 4 से 5 प्रैक्टिस ऑन कंट्रोल सिस्टम पे, और आपको क्लास मिलेगी मेरी 9 to 10 टॉप MCQ फॉर JEE क्वेश्चन सीरीज। ओके गाइस, आगे चलते हैं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ, आई हैव 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ESC। ओके गाइस, तो दिस इज माई कोड Rahul11। आप इस कोड का यूज करके अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। टीम के किसी भी मेंबर का अगर आप डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो दिस इज Rahul11। ओके गाइस, आगे चलते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों ज्वाइन करें। तो बेटा, सबसे पहली बात क्या है, यहां पर आपको फिक्स टाइम पर क्लासेस मिलती, गेट और ESC के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाता है, इंडिया के बेस्ट टीचर आपको मेंटर करते हैं इस एग्जाम के लिए। हमारी टीम के क्विज देखने के मतलब वीडियोस देखने के साथ साथ आप अदर्स टीम के एजुकेटर्स के भी वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स देखिए, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है UPPSC AE NLC और SSC JEE का, मैं और खिमेंदर सर आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं ले रहा हूं पावर सिस्टम और खिमेंदर सर ले रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इस कोर्स को भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और काफी इफेक्टिव वे में आपका रिविजन हो जाएगा। गेट और ESC का सिलेबस आपको अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा हमारी तरफ से, और उसके बाद आपको 3 मंथ्स आपके रिवीजन के लिए रहेंगे, जो मोर देन सफिशियंट है। ओके गाइस, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में दोनों में लेक्चर अवेलेबल है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट हिंदी में देखना चाहते हैं, तो यहां पर इस तरीके का बैरियर नहीं है। नेक्स्ट है, कोई डाउट आपका लेफ्ट बचा नहीं रहेगा अनसॉल्व, क्योंकि आप रियल टाइम में एजुकेटर से अपना डाउट पूछ सकते हैं, वो रियल टाइम में ही आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको एक्स्ट्रा सेशन या टीचर का वेट नहीं करना पड़ेगा ऑफलाइन क्लास की तरह। ये एक्सेसिबल है लैपटॉप, कंप्यूटर एंड फोन पर। जैसे कि गाइज, आपको पता है कि अदर कोर्सेज के लिए जी ड्राइव के लिए अलग है पैसा, उसका अलग प्रोसेस है, पेन ड्राइव के लिए अलग पैसा है, उसका अलग प्रोसेस है, और आपका जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके लिए अलग पैसे, सबका अलग अलग फॉर्मेट है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल भी टेक फ्रेंडली नहीं होते। यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल टेक फ्रेंडली है, आप कंप्यूटर, फोन और लैपटॉप किसी पे भी इसे रन कर सकते हैं, मतलब वन टाइम पे करा, एक ही सब्सक्रिप्शन हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा। अगर आप ट्रैवलिंग पर हैं तो ट्रैवलिंग में आप फोन के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, डाउट सेशन। डाउट सेशन के अंदर क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1, 2, 3 क्लासेस दिया, किसी पर्टिकुलर लेक्चर दिया किसी सब्जेक्ट का, तो फोर्थ लेक्चर जो होगा वो आपका डाउट सेशन होगा, तो उस
थ्री लेक्चर्स के रिगार्डिंग आप फोर्थ क्लास के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपका रहता है तो उसके अंदर आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यानी ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाते हैं, कैसे एग्जाम के प्रेशर को बियर करना वो भी सिखाते हैं, और आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट भी देते हैं एग्जाम का। तो गाय आई होप ये आपको पूरा का पूरा पता चल गया होगा कि ये पूरा का पूरा बंडल है पूरा सारे कोर्सेस के लिए, मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन गेट के लिए चलेगा, एक ही सब्सक्रिप्शन ESC के लिए चलेगा, एक ही सब्सक्रिप्शन आपका AEJEE अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए चलेगा, इवन दैट नॉन टेक भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, जल्दी से जल्दी इस पर हमारे साथ कनेक्ट हो और अपना लर्निंग प्रोसेस एडवांस करें। आगे चलते हैं गाइस, बहुत से स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है इस पे ज्वाइन हो, ये हैशटैग है बेटा, इसे वायरल कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस हैशटैग को ज्यादा से ज्यादा यूज करें जिससे आपको इफेक्टिव वीडियोस मिले हमारे चैनल की। फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर अपने जो रिसोर्सेज है उन्हें शेयर करिए और जो अपने डाउट है यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें क्रिटिक्स को। सो गाइस आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये आ गया है आपसे सवाल पूछने के लिए हमारा छोटू मास्टर। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दूसरी बात एक एडवाइस देना चाहूंगा गाइस, आप आंसर देते हैं तो मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा 5 से 6 सेकंड का, क्योंकि आपको मैंने देखा है कि मैं शायद काफी जल्दी आंसर बता देता हूं, तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ के आंसर दें। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस इसका आंसर बताया मेरे को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आपके सामने में, जनरेटर कैप्ट फॉर स्पिनिंग रिजर्व्स आर नॉट इन ऑपरेशन, कैप्ट रनिंग ऑन लाइट लोड, कीप रनिंग ऑन हैवी लोड और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी मेरे को बता दे बच्चे, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल इत्मीनान से सही आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूं बच्चे सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा अब तक। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है, जो जनरेटर कैप्ट फॉर स्पिनिंग रिवर्स रिजर्व आर कैप्ट रनिंग ऑन लाइट लोड, ठीक है। तो स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये होता है, इट इज रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी दैट इज कनेक्टेड टू बस एंड रेडी टू टेक लोड। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सारे ये हॉट रिजर्व, कोल्ड रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, इन सब की डेफिनेशंस पता होनी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसने भी आंसर दिया वो सही है। आगे चलते हैं गाइस, जल्दी बताएं विच इज नॉट यूज्ड इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आइसोलेटर, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर या ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका आंसर बताएं गाइस जल्दी से जल्दी क्या होगा। सो गाइस यहां पर आइसोलेटर, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर सभी का हम यूज करते हैं, यहां पर आंसर क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर्स का हम यूज नहीं करते अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइएस्ट पॉइंट इन लोड कर्व रिप्रेजेंट इज एवरेज डिमांड, डाइवर्जेंट फील्ड डिमांड, पीक डिमांड या नन ऑफ द अबव। सो गाइस जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं, और सही से पढ़ के आंसर दीजिएगा इसका इत्मीनान के साथ, ठीक है। हड़बड़ाहट में आंसर नहीं देना हमें, याद रखें पेपर वही है उसी का सक्सेसफुल जिसके सारे क्वेश्चन सही हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस सभी ने दे दिया होगा आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया बेटा उसका सही है, यानी हाईएस्ट पॉइंट दिखाता है बेटा आपका मैक्सिमम डिमांड को, है ना, इट विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड। तो अगर ये लोड कर्व है हमारा, लोड कर्व किसके बीच में, यानी हमारा पावर या तो यहाँ किलोवाट में होगा या ये मेगावाट में होगा,
यहां पर ये टाइम होगा और ये पर्टिकुलर टाइम पे ये वाला जो चीज है इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल रिप्रेजेंट द पीक लोड। ठीक है, मान लीजिए यहां पर 6 मेगावाट है, ठीक है, एट टाइम 6 PM, तो दिस विल रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पॉइंट जो है लोड कर्व में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम डिमांड या पीक डिमांड। आगे चलते हैं। SF6 हैज एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, लो गैसियस विस्कोसिटी, हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जल्दी आंसर दें इसका, कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन से ये क्वेश्चन आता ही आता है, जल्दी बताएं। तो गाइस इसकी हीट ट्रांसफर जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सीलेंट हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, बोथ हाई मॉलिक्यूलर वेट, लो गैसियस विस्कोसिटी। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, अगर हीट ट्रांसफर के बारे में पूछेगा तब यह आपको आंसर देना है। और कल जो पूछा था हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, तो वो क्वेंचिंग ऑफ आर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने माइंड के अंदर रखने हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका आंसर सही है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एक्चुएटिंग क्वांटिटी ऑफ रिलेज, मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेस या ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी इसका आंसर बताएं गाइस, क्या है राइट आंसर, इत्मीनान से आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर लगाना है आपको, तो जल्दी आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन है। तो गाइस सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, जिसने भी आंसर दिया है डी ऑल ऑफ द दीज, उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि रिलेज जो होती हैं आपकी मैग्नीट्यूड पर, फ्रीक्वेंसी पे, फेस एंगल पे, सब पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो है रिलेज की वो तीनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। विच फॉल्ट गिव राइज टू द सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या थ्री फेस फॉल्ट। आंसर दें इसका आराम से, ठीक है, गलत नहीं करना है, सही आंसर बताना है हमें, जल्दी बताएं इसका आंसर। तो गाइज इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है, जिस बच्चे ने भी आंसर नंबर डी दिया है उसका बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो थ्री फेस वाला होता है फॉल्ट, इसे क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं, वी कॉल इट एट सिमेट्रिकल फॉल्ट। और बाकी के जो है हमारे लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे कैसे होते हैं गाइज, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको अपने माइंड के अंदर याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर विच विद द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बेटा बताएं क्या क्या इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सॉरी। तो पहला क्या है, लेंथ इंक्रीज बट स्ट्रेस डिक्रीज, लेंथ इंक्रीज स्ट्रेस ऑल्सो इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज बट स्ट्रेस इंक्रीज, बोथ लेंथ एज वेल एज स्ट्रेस डिक्रीज। जल्दी आंसर दें, सोच के बताएं, यहां पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इंक्रीज करा गया है तो ट्रांसमिशन लाइन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी आंसर दें और आराम से दें, बिल्कुल सही आंसर दें। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर ए। जिन बच्चों ने भी ए दिया है बिल्कुल सही दिया है बेटा, जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर लेंथ हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसे लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, अगर थर्मल उसमें बात करें लीनियर एक्सपेंशन। है ना, और जब ये इंक्रीज होगा तो यानी इसमें सैग आएगा, और जब ये सैग आएगा तो एक और पॉइंट लिख लें कि सैग जो होता है इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
ठीक है, सैग इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, और जो लाइन के अंदर स्ट्रेस होगा मतलब जो टेंशन होगा वायर के अंदर वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो बेटा आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्यूज वायर इन डीसी सर्किट इज इंसर्टेड इन नेगेटिव सर्किट, पॉजिटिव सर्किट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड या आइदर फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, तो पहले इंटरव्यू में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट आप मेरे को इसका आंसर बताएं और आराम से बताना, सोच समझ के बताना कि फ्यूज कहां पर लगाया जाता है डीसी सर्किट में। तो बेटा ये जो है इसका जो राइट आंसर है जल्दी बताएं क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर बेटा सी। जो भी बच्चे सी बता रहे हैं इसका आंसर, उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्यूज को देखिए दो वायर है मान लीजिए डीसी के, पॉजिटिव नेगेटिव, तो फ्यूज दोनों में कनेक्ट होगा, पॉजिटिव वायर में भी नेगेटिव वायर में भी, ठीक है गाइज, जबकि इट इज फॉर डीसी। और आपका एसी में अगर कोई है तो ये लाइव कंडक्टर, ये फेस है, ये न्यूट्रल है, तो सिर्फ और सिर्फ फेस में कनेक्ट होगा फ्यूज फॉर एसी। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इसे अपने माइंड के अंदर जरूर रखें यार, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो इस पे मैं टिक कर देता हूं, काफी अच्छा है और कभी कभी वाइवा में भी एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज द मोस्ट रिलायबल, डीजल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, स्टीम या टाइडल। जल्दी आंसर दे बेटा इसका, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा रिलायबल है, और इत्मीनान से सही आंसर देना है हमें, ठीक है, पेशेंस बनाए रखो, गलत आंसर नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने इसका आंसर अब तक दे दिया होगा। बेटा इसका आंसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं एज कंपेरिजन टू डीजल, स्टीम और टाइडल, ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला जो है इसका बहुत राइट आंसर है, दे आर रिलायबल। और स्टीम और डीजल वाले क्या है, इतने रिलायबल नहीं रहते, क्योंकि रिलायबिलिटी इनकी डिपेंड होती है अदर फैक्टर्स पे, और हाइड्रो वाला जो है आपका इसका स्टार्टिंग टाइम भी काफी फास्ट है, ऑल्सो यूज फॉर पीक एज वेल एज बेस फ्रूट प्लांट। चलते हैं आगे, इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर डिसाइडेड बाय किरचॉफ्स लॉ, केल्विन लॉ, एम्पियर लॉ, फैराडे लॉ। उम्मीद करता हूं ये तो सारे बच्चे एकदम से आंसर दे देंगे, ठीक है, इसमें तो आपको 5 सेकंड लगने चाहिए, इससे ज्यादा टाइमिंग आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तो जो भी बच्चे इसका केल्विन लॉ आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर जो होता है वो केल्विन लॉ के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। अब इसके अंदर कोई भी बच्चा मेरे को जो सेकेंड लॉ है केल्विन का, उसमें उसने एक कौन सा फैक्टर जोड़ा था वो बताएगा, ठीक है, कमेंट्स में। आगे चलते हैं, ये होमवर्क है आपका। आगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन, तो ओम, मिली ओम, मेगा ओम, माइक्रो ओम। तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस किसमें एक्सप्रेस्ड किया जाता है, जल्दी बताएं आंसर, ठीक है, केबल का जो इंसुलेशन, एक्चुअली ये दोनों का पार्ट आ गया एक तरीके से, मेजरमेंट ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है, केबल्स हम पढ़ते हैं तो उसमें इंसुलेशन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चों ने बता दिया होगा अब तक, मेगा ओम, ठीक है। और बेटा इसे मेजर किससे करा जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को, विद द हेल्प ऑफ मेगर, ठीक है। अब मुझे बताना मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड करा जाता है, ये होमवर्क है आपका, बताएंगे आप, ठीक है, आगे चलते हैं, सोच समझ के बताना कंट्रोलिंग टॉर्क वाला। आगे चलते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फ्यूज, किटकैट टाइप, कार्ट्रिजेस टाइप, राउंड टाइप, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, जल्दी आंसर बताएं, आप सब फोकस करें क्वेश्चन पर और इत्मीनान से आंसर दें इसका, मुझे सारे बच्चे पता है तुरंत आंसर दोगे आप इसका, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा किटकैट टाइप भी यूज करते हैं, कार्ट्रिजेस टाइप भी करते हैं, राउंड टाइप भी करते हैं। तो बेटा अब आप क्या काम करोगे, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इन सबको किटकैट, कार्ट्रिजेस, राउंड टाइप
क्लिक करोगे गूगल पे और सबकी पिक देखोगे, ठीक है, ये सारी पिक्स आपको एक विजुअलाइजेशन देंगी, तो इससे ये क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। ये होमवर्क जो प्रॉब्लम्स है गाइज इसलिए ही देता हूं जिससे आप खुद करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे, इफ आई डू लर्न फॉर लॉन्ग टाइम। आगे चलते हैं। अनदर नेम फॉर द कोल यूज्ड इन द पावर प्लांट, चारकोल, कोक, स्टीम कोल, वेट कोल, जल्दी बताया बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो गाइज इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सभी आंसर दे दीजिए जल्दी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्टीम, क्या होगा, स्टीम कोल कहते हैं बेटा, जो थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज करते हैं उसका एक दूसरा नाम स्टीम कोल है। ओरिजिनली हम कौन सा यूज करते हैं, लिग्नाइट को यूज करते हैं, हम वी यूज लिग्नाइट कोल इन थर्मल पावर प्लांट इन वेट मिनट इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इन इन थर्मल थर्मल पावर प्लांट, ठीक गाइस, थर्मल पावर प्लांट में हम यूज करते हैं लिग्नाइट कोल, कहीं कहीं पे बिटुमिनस भी होता है लेकिन लिग्नाइट पे जाएंगे। इसका भी एक दूसरा नाम और होता है बेटा, ब्राउन कोल, तो इन्हें भी नोट रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर एंड नन ऑफ दीज। तो पावर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं जल्दी बताएं, सारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर बहुत जल्दी देंगे। ठीक है, इसका आंसर इत्मीनान से सही दीजिए बेटा, जो भी बच्चा बी दे रहा है इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही दे रहा है, क्योंकि पावर लॉस जो होते हैं कोरोना के वो क्या होते हैं, एफ प्लस 25 हर्ट्ज के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो गाइज ये तो आपको पता ही चल गया, अब आप एक काम करेंगे, एडवांटेज बताएंगे कोरोना लॉस का। ठीक है, तो एक साथ आपके दो दो क्वेश्चन हो जाएंगे, एडवांटेज ऑफ कोरोना लॉस आप मेरे को बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट है, सॉलिड स्टेट पावर सप्लाईज आर प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज सर्जेस ड्यू टू लाइटनिंग यूजिंग। तो ऑप्शन फर्स्ट, जिंक ऑक्साइड बेस्ड वेरिएस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर, मेटल गेज रजिस्टर या सिलिकॉन कार्बाइड रजिस्टर। तो बेटा इसका आंसर बताएं क्या होगा, कि जो सॉलिड स्टेट पावर सप्लाईज होती है उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं लाइटनिंग सर्जेस से। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो सिलिकॉन कार्बाइड, जो भी बच्चा आंसर नंबर डी दे रहा है उसका सही है, क्यों, सिलिकॉन कार्बाइड का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी, और दूसरी बात क्या है, पहले तो आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए बेटा वेरिएस्टर क्या होता है। ठीक है, ये एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद एज वोल्टेज इंक्रीज, इट इज ए नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। ठीक है, उस रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वोल्टेज, विद इंक्रीज इन वोल्टेज। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा डी। आगे चलते हैं और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर द गुड हीटिंग एलिमेंट। बेटा सब कुछ आपको एक एक पॉइंट मैंने कराया, गलत मत करना है इस क्वेश्चन को। हाई टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, लो ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस या लो मेल्टिंग टेम्परेचर, जल्दी बताएं इसका आंसर बेटा क्या होगा, इत्मीनान से सोच के आंसर दें इसका। ठीक है, कौन सी गुड प्रॉपर्टी है इसकी। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चा सी बोल रहा है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है,
ठीक है, 1 2 3 कह लो, R3 भी दे दो तो भी गलत नहीं है, ये अंडरस्टूडेबल हो गया आपको, हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये जो सी है आंसर, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्यों? क्योंकि जितना अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जितना कम होगा उतना टेम्परेचर में, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन कांस्टेंट ही रहेंगे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका क्या रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं रहेगा ज्यादा, तो लो टेम्परेचर कोफिशियंट होना चाहिए रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मुझे इस अल्फा की यूनिट बताएंगे, ये भी होमवर्क है आपका। आगे चलते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज एम्प्लॉयड स्टैम वेल्ड्स, बट वेल्ड्स, लैब वेल्ड्स या एंड टू एंड वेल्ड्स। जल्दी बताएं बेटा इसका आंसर क्या होगा, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इनमें से किस में इंप्लॉय करी जाती है, तो आंसर बताएं और सोच समझ के आंसर बताना है इत्मीनान के साथ, गलत नहीं बता देना है जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, यानी एक्सीडेंट नहीं करना हमें, सुना है ना मतलब सावधानी हटी तो दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट होता है, तो यहां नहीं करना। यहाँ बेटा लैब वेल्ड्स है, जो भी बच्चा सी आंसर दे रहा है बिल्कुल सही है। क्यों बेटा, लैब वेल्ड्स का मतलब हो गया, मान लीजिए आपको दो सरफेसेस को आपको क्या करना, वेल्ड करना है, तो हम वहां पर इस तरीके की जो वेल्डिंग होगी अगर आपको दिख रही होगी तो वो क्या कहलाएगी, प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहलाएगी। यहाँ पर हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग एम्प्लॉयड, ठीक है, एम्प्लॉयड करेंगे, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है आपको याद रखना है। ठीक, ये कौन से टाइप की रेजिस्टेंस का है, किस टाइप की है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये बताएं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, Extinguishers are ideal for the places where the lots of electrical equipment such as offices or server room. तो किस टाइप के, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने अगर कहीं पे भी जॉब अगर आप देखते हैं किसी भी ऑफिस को या जॉब प्लेस को देखोगे तो वहां पर आपको एक रेड कलर का ये एक्सटिंग्विशर मिलते हैं। तो बेटा ये हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है फॉर सेफ्टी पर्पज। तो आप मुझे बता दो कि कौन सा वाला गैस इसके अंदर यूज करेंगे हम। तो बेटा आपके लिए जो जल्दी से सोच समझ के आंसर बताएं, क्योंकि इनके कई सारे टाइप होते हैं ABCD, ठीक है, तो इसका आंसर बताएं। तो बेटा इसका आंसर जो है CO2, जो बच्चा डी बता रहा है बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रिक फायर से जो भी मतलब इलेक्ट्रिक वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉल्ट हो गया, उसकी वजह से आपके ऑफिस के अंदर अगर मान लीजिए फायर, आग लग गई, तो उसके लिए हमेशा हम यूज करते हैं CO2। ठीक है, तो ऑफिसेज एंड सर्वर रूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये सेफ्टी में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, चाहे फिर वो जेई लेवल एग्जाम हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हो, वहां पे ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, और जनरल पर्पस के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रैक्शन मोटर इज इजियर विद डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डीसी मोटर। बेटा देखो इसका आंसर इत्मीनान से देना, ठीक है, कभी हड़बड़ाहट में आंसर देने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर देना। ठीक है, किसका पैरेलल, ये बताओ, अगर आपने मशीन को पढ़ा होगा तो कौन सी वाली मोटर का पैरेलल ऑपरेशन सबसे इजी होता है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर जो है आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डीसी सीरीज मोटर के साथ जाएंगे, बट इंडक्शन मोटर का जो पैरेलल ऑपरेशन होता है वो इजी होता है एज कंपैरिजन टू डीसी टू डीसी सीरीज मोटर, जिनका पैरेलल ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो स्टार्टिंग टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स हैं डीसी सीरीज मोटर की वो बहुत अच्छी होती हैं, तो इसलिए हम यूज करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखें ट्रैक्शन मोटर के लिए डीसी इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं, ठीक, मतलब पैरेलल ऑपरेशन, वरना अदरवाइज हम यूज करेंगे डीसी सीरीज का। सब आपको मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स कराए हैं, थ्री फेज का भी हम यूज करते थे पुराने सिस्टम्स में। आगे चलते हैं, द एक्सेलरेशन रेट फॉर द अर्बन और सबअर्बन सर्विसेज, जल्दी बताएं बेटा
कितना होता है एक्सेलरेशन रेट इनका, एक टेबल बनवाई थी मैंने, आखिरी का हमारा सबसे चैप्टर था इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर बताएं 1.5 to 4 किलोमीटर पर आवर, 3 to 4 किलोमीटर पर आवर, या 5 to 10 किलोमीटर पर आवर, या 0.5 to 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर बताएं बेटा इसका क्या होगा राइट आंसर। तो बेटा इसका जो आंसर होगा आपका 1.5 to 4 किलोमीटर पर आवर, ये एक्सिलरेटिंग रेट है किसका, अर्बन और सब अर्बन का, ठीक। तो इसे आप अपने माइंड के अंदर रखें, इंपॉर्टेंट है। रिटार्डेशन रेट आपको बताना है इनका, क्योंकि मैंने आपको सारी टेबल बनवाई है, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं बताया मैंने, आप उसमें जाके देखिएगा वीडियो में, तो आपको पूरी टेबल आपको क्लियर हो जाएगी सबका मैक्सिमम। हाँ, ये रिटार्डेशन रेट भी बताया मेरे को, और इनके अंदर हम मैक्सिमम स्पीड कितनी ले सकते हैं, ठीक है, वो भी आप मेरे को बताएंगे। कुछ बच्चे हैं, कल मैंने फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट वाला क्वेश्चन पूछा तो एक लड़के ने सही आंसर भी दिया उसका कमेंट में। तो गाइज आप भी इसी तरीके का एटीट्यूड रखें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देने का। आगे चलते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रेलवेज आर यूज फॉर देयर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, 20 वोल्ट DC, 25 kV सिंगल फेज AC, 25 kV टू फेज AC DC, 25 kV थ्री फेज DC। तो बेटा एक कुछ तो क्वेश्चन इनमें यह है ही नहीं, और जो 25 थ्री फेज होता है इसे तो हम यूज करते ही नहीं है, हम यूज कौन सा करते हैं 25 kV सिंगल फेज AC, ठीक है गाइज। तो उसके बाद हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम DC में इसे कन्वर्ट करते हैं, और यही DC कन्वर्ट होके किस में जाता है, DC सीरीज मोटर में, ठीक है गाइज। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो रेलवे यूज करती है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वो कौन सा करती है, 25 kV सिंगल फेस AC, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 50 Hz, ठीक है। तो प्लीज कीप दिस माइंड, ऑप्शन नंबर बी जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आगे चलते हैं बेटा। TRS केबल ऑन बैटन्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस नॉट एक्सपोज टू सन एंड रेन, एक्सपोज टू एटमोस्फेयर, फायर हैजार्ड इज प्रेजेंट, वेयर एसिड एंड एल्कलीज आर प्रेजेंट्स। बेटा इसका आंसर बताएं, ठीक है, ध्यान से इसका आंसर देना। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपको क्या करता हूं, सभी बच्चों को होमवर्क में देता हूं। मैंने TRS वायरिंग आपको पूरी तरीके से पढ़ाई है, तो ये होमवर्क है। तो 4 से 5 कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, लिख दिए हैं, क्योंकि इनके आंसर अगर आप खुद देखेंगे तो बेटा डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट देगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी रिसेप्टल्स कैन बी यूज ऑन 20 एम्पियर सर्किट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी रिसेंटली आया है किसी एग्जाम में, ठीक है, या RRB JEE में आया था या SSC JEE में, बट ये क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं, तो इसका आंसर जरूर बताएं मेरे को, कितने हम यूज कर सकते हैं 30, 40, 50, 10 NEC कोड के अकॉर्डिंग। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चा इसका आंसर दे रहा है डी, बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है, 10 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इज कनेक्टेड टू द अर्थ इलेक्ट्रोड विदाउट ए फ्यूज सर्किट ब्रेकर रेजिस्टेंस इम्पीडेंस इट इज कॉल्ड, जल्दी बता बेटा इसे किस तरीके की हम अर्थिंग कहते हैं, सॉलिड अर्थ, अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थिंग लीड, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। बेटा इसका जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने मुझसे अर्थिंग पढ़ा है, ठीक है, तो आप इसका आंसर तुरंत दे देंगे। इसका राइट आंसर क्या है गाइस, इसे कहते हैं बेटा जब हम कुछ भी यूज नहीं करते और जो न्यूट्रल पॉइंट है उसे सीधा हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, तो वो कहलाता है सॉलिडली अर्थ, ठीक है, सॉलिडली अर्थ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको अपने माइंड के अंदर बनाए रखने हैं, सॉलिडली अर्थ इसे कहते हैं।
बाकी ये तीनों की डेफिनेशन भी मैंने आपको वहां पर बताई थी कि अर्थ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, अर्थिंग लीड किसे कहते हैं और कंटिन्यूटी कंडक्टर में किसे कहते हैं। बट दिस इज ए टाइप ऑफ अर्थ, ठीक है, किस तरीके का हम अर्थिंग यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं। रेजोनेंट ग्राउंडिंग इज ऑल्सो नॉन एज सॉलिड अर्थ, आर्क सप्रेशन कॉयल अर्थ, अर्थिंग रिएक्टेंस अर्थिंग या रेजिस्टेंस अर्थिंग। जल्दी बताया बेटा, इसका आंसर सोच समझ के देना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग है एक जगह, ठीक है। तो जल्दी बताएं इसका आंसर और सही आंसर बताएं, ठीक है गाइज, जल्दी। सो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, आर्क सप्रेशन कॉयल अर्थिंग। बेटा जो भी रिएक्टेंस अर्थिंग बोल रहा है वो राइट नहीं है, आर्क सप्रेशन कॉयल अर्थिंग कहते हैं रेजोनेंट ग्राउंडिंग को, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थिंग प्रैक्टिस रूल 33 ऑफ मेक इट कंपल्सरी फॉर द लाइसेंस टू मेंटेन ए सुटेबल अर्थ टर्मिनल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1960, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1950 या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1966। बेटा इत्मीनान से आंसर दो, क्योंकि मैंने कराया है ये, तुरंत आंसर दोगे आप इसका, ठीक है। ये 33 वाला जो रूल है ये कब मैंडेटरी करा गया था, कंपल्सरी लाइसेंस, ठीक है, फॉर सप्लायर के लिए, तो इसका बताएं, क्योंकि ये सारे के सारे रूल इंड्यूस्ड करे गए IER 1956 में, तो ठीक है, यहां पर आपको पता होना चाहिए IER 1956 इज द राइट आंसर, और ये रूल नंबर मैंने आपको कराया, प्लीज इसे एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना, ठीक है। आगे चलते हैं। द मिनिमम डायमेंशन ऑफ द कॉपर अर्थ प्लेट एज पर द ISI कोड इज 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 6.38 मिलीमीटर, 60 इंटू 6.38 मिलीमीटर या 60 इंटू 3.18 मिलीमीटर, 60 इंटू 30 इंटू 3.18 मिलीमीटर। तो बेटा ध्यान से बताना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ कॉपर पूछ रहा हूं मैं। तो बेटा कितना डायमेंशन था हमारा, तो इसका राइट डायमेंशन था गाइस ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी बच्चा इसका सी आंसर दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है। अब इनमें से मेरे को आयरन का बता दीजिएगा आप, ठीक है, अपने लिए यहां पर नोट कर लीजिएगा, आयरन का आप मुझे बताएंगे कौन सा प्लेट साइज होना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चे। द करेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जल्दी बताएं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज विद लेंथ ऑफ लाइन, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइन लेंथ या नन ऑफ दीज, ठीक है। इत्मीनान से इसका आंसर दें, बिल्कुल सही से आंसर देना है हमें इसका, अड़बड़ाहट में कोई गलती से आंसर ना दे, सारे ऑप्शन को पहले चेक कर लिया करो। तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा आपके लिए, जेड सी जो होता है, जो भी बच्चा सी आंसर दे रहा है वो बिल्कुल सही है, जेड सी जो होता है वो डिपेंड नहीं करता लाइन की लेंथ पर। तो अब यहां पर क्या काम करना है आपको, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका जेड सी ट्रांसमिशन लाइन का कितना होता है, और जो केबल होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल, उसका जेड सी कितना होता है, प्लीज यहां पर मेंशन करके अपने लिए नोट जरूर कर लेना। आगे चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नर सिस्टम इन पावर सिस्टम फॉर ऑल टाइप ऑफ टर्बाइन इज टू कंट्रोल द वोल्टेज फेस एंगल, रिएक्टिव पावर इनपुट, वोल्टेज मैग्नीट्यूड या फ्रीक्वेंसी। बेटा ध्यान से देना, गवर्नर क्या काम करता है, गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है हमारे पावर सिस्टम में, ठीक है। तो जल्दी बताएं ये किस लिए यूज करते हैं हम टर्बाइन में, ठीक है, इसी की वजह से पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी भी रहती है। तो बेटा इस सबसे जरूरी काम ये क्या करता है हमारा, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नर इन पावर सिस्टम फॉर ऑल टाइप ऑफ टर्बाइन इज टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर आपका
थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर जनरेटर पे लोड बढ़ गया तो जनरेटर की जो सिंक्रोनस स्पीड है वो डिक्रीज होगी, जब वो डिक्रीज होगी तो उसी के प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी, तो गवर्नर सेंस करेगा कि जनरेटर के ऊपर लोड बढ़ चुका है तो कमांड देगा बॉयलर सेक्शन को, बॉयलर सेक्शन क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा स्टीम को टर्बाइन के अंदर फ्लो कराएगा, अगेन जनरेटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, जब स्पीड इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी अपने आप स्टेबल हो जाएगी। अगर मान लीजिए लोड आपका एकदम से कम हो जाता है तो जनरेटर की स्पीड बढ़ जाएगी तो गवर्नर सेंस करेगा, कमांड देगा बॉइलिंग चैम्बर को, बॉइलिंग चैम्बर क्या काम करेगा स्टीम को कम सप्लाई करेगा टर्बाइन में, अगेन इट विल स्टेबल डाउन। तो ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नर का, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हमारी हर जगह गवर्नर, जहां मैकेनिकल इंजन सिस्टम है वहां गवर्नर रोल प्ले करते हैं। आगे चलते हैं, टू एरिया ए एंड बी हैव इक्वल कनेक्टेड लोड, हाउएवर लोड डाइवर्सिटी इन ए इज मोर देन बी, तो इसका राइट आंसर बताएं बेटा। देखिए टू ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम डिमांड ऑफ टू एरिया इज स्मॉल, मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ बी, मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए, तो बेटा इसका आंसर बताएं राइट कि किसका डायवर्सिटी, ए का जो डायवर्सिटी फैक्टर मोर होगा, ठीक है, कब होगा? तो बेटा आपको पता होना चाहिए जब मैक्सिमम डिमांड मेरी क्या हो जाए, तो जल्दी आंसर बताएं बच्चे, बिल्कुल सोच के बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है फॉर्मूला बेस्ड है, यानी इसमें ज्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जब मैक्सिमम डिमांड आपकी कम होगी तो जाहिर सी बात है आपकी डाइवर्सिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ए का डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है बेटा, मोर है, ठीक है, तो बी का जो है मैक्सिमम डिमांड ज्यादा है और इसका जो है मैक्सिमम डिमांड ए का कम है, इसी रीजन की वजह से डाइवर्सिटी फैक्टर ए का ज्यादा है। दूसरा क्या है, फॉर लो कॉस्ट ऑफ जनरेशन द लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर मस्ट बी मैक्सिमम, ठीक है, अगर आपको जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है उसे कम करना है तो आपको लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर को हमेशा मैक्सिमम रखना होगा, यानी इक्वल्स टू वन और डाइवर्सिटी फैक्टर तो ग्रेटर देन वन रहता ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर बना के रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सी दिया होगा। आगे चलता हूँ बेटा लेके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रिसीविंग एंड पावर टू सेंडिंग एंड पावर, टोटल लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन अपॉन रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग एंड करंट अपॉन सेंडिंग एंड करंट, रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो राइट आंसर बताएं बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, एफिशिएंसी होगी जो टीएल होगी वो क्या होगी आपकी, रिसीविंग एंड पावर टू सेंडिंग एंड पावर, ठीक है, टोटल लॉसेस वगैरह के चक्कर में मत रहना, ठीक है, पावर ही डिफाइन करती है हमारा एफिशिएंसी को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इट इज सिंपल एज आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों ने ये ऑप्शन दिया होगा इसका आंसर। स्पॉट वेल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस रेजिस्टेंस आर्क टंगस्टन इनर्ट गैस, ठीक है, जल्दी आंसर दे बेटा इसका क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, करवाया हुआ है, नहीं करवाया हो तो बात अलग है, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया है तो प्लीज इसका आंसर जरूर दे और ध्यान से आंसर दे। तो बेटा आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका, स्पॉट वेल्डिंग
का रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है स्पॉट वेल्डिंग। अब स्पॉट वेल्डिंग में अब आपको होमवर्क है, ये आप इसके अंदर करंट और वोल्टेज का रेंज जरूर बताएंगे मुझे। जो बच्चा अगर ये सारे आंसर देगा ना, मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी होगी, ठीक है, यानी उसका कंसर्न है अपने कैरियर को लेकर, ठीक है, सारी चीजें डेडिकेटली कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आती हैं एग्जाम। आगे चलते हैं, ठीक है, मुझे खुशी होगी अगर कोई भी बच्चा सारे आंसर देता है तो। आगे चलते हैं, द आउटपुट ऑफ ए लेड एसिड सेल एट फुल डिस्चार्ज इज, ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं क्योंकि ये वाला टॉपिक हमारा रह रहा है, आई नो दैट, ठीक है, तो 1.95 वोल्ट, ठीक है, ये बच्चे इसमें याद रखना, जब लेड एसिड हमारा डिस्चार्ज होता है, ये हमारा सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, ठीक, और इसके अंदर ये फुल्ली डिस्चार्ज जब होता है तो भी इसके अंदर जो पोटेंशियल है ये मैं वो कितना बचता है 1.95, ठीक है, तो इसका आंसर मैंने दे दिया है, आप सब इसे माइंड में रखें। नेक्स्ट है गाइस, इल्यूमिनेशन इज मेजर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर या पीएच मीटर, जल्दी आंसर दें इसका, क्योंकि गाइस अगर आपको याद होगा तो मेरा तीसरा वीडियो था इल्यूमिनेशन में और मैंने आखिरी में ये आपको पढ़ाया था, तो बेटा इसका आंसर क्या है, जल्दी आंसर दें। तो इसका राइट आंसर है बच्चे, जो भी लक्स मीटर आंसर दे रहा है यानी फोटोमीटर जो है, ठीक है, वो बिल्कुल सही है आपका, लक्स मीटर इज द राइट आंसर, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, लास्ट टॉपिक था हमारे इल्यूमिनेशन का, तो प्लीज उसे गो थ्रू कर लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल यूज्ड इन द स्ट्रीट लाइटिंग आर डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, तो जल्दी बताएं बेटा, क्योंकि दो तरीके के रिफ्लेक्शंस मैंने पढ़ाए थे, आपको इमेज से याद आ गया होगा अगर आपने सही से पढ़ा है तो। देखो एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन है मेरे, जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उस पे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप चलो कोई नहीं, इस बारे में कभी बाद में बात करूंगा, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। बच्चों देखो इतना एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आप शेयर नहीं करते और मेरा वीडियो तो बिल्कुल शेयर नहीं करते, कोई बात नहीं, चलो जल्दी आंसर बताएं, डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, इन्हीं प्रिंसिपल्स को स्ट्रीट लाइट में यूज करा जाता है और इन्हीं प्रिंसिपल का यूज करके लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल भी किया जाता था, ठीक है, तो इन्हें आप गो थ्रू कर लेना एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफ्यूजन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा। आगे चलते हैं बेटा, ए लेड एसिड सेल इज रिचार्जेबल बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोलाइट इज सल्फेरिक, इट इज ए वेट सेल, इट्स केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल, इट्स इलेक्ट्रोलाइट हैज ए हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो गाइस इसका आंसर बताएं मेरे को सही से, तो क्यों रिचार्जेबल होता है लेड एसिड सेल, ठीक है, तभी इसे सेकेंडरी सेल भी कहते हैं, ठीक है, इसकी यही प्रॉपर्टी की वजह से इसे सेकेंडरी सेल भी कहा जाता है, तो बेटा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल एक्शन होता है सी इसका राइट आंसर है, रिवर्सिबल होता है, तो गाइस मैंने आंसर दे दिया है इसका, तो सभी ने, उम्मीद करता हूं काफी बच्चे होंगे जिन्होंने सी आंसर दिया होगा, बिल्कुल सही दिया है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैलकुलेट द मास एम, अरे एक मिनट गाइस, हाँ तो गाइस ये इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो पहला लॉ है वो मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपका मास लिबरेट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जल्दी बताएं इसका आंसर और राइट आंसर देना है, हड़बड़ाहट में गलत नहीं आंसर देना, तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी, तो यहां पर जो मास लिबरेट होता है इलेक्ट्रोड से प्रोपोर्शनल होता है कितना चार्ज आपने
उसके अक्रॉस फ्लो किया है, ठीक है, और यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है केमिकल इक्विवेलेंट Q, और यही बनता है आगे चल के चार्ज इक्वल्स टू आई टी करंट इनटू टाइम। तो आई होप सभी ने इसका सही आंसर दिया हो। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल इन द वर्किंग ऑफ द लेड एसिड सेल, ठीक है, आगे चलते हैं, आंसर बताएं इसका। फैराडे लॉ ऑफ सेल्फ इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आराम से आंसर दे दीजिएगा, ये तो सभी को पता है। लेड एसिड का आंसर आप मैंने पढ़ाया है आपको, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रिंसिपल भी बताया है और उसको एप्लीकेशन किन किन चीजों में होता है वो भी बताया है। तो जिन बच्चों ने भी सी आंसर दिया है बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच गैस इज समटाइम यूज इन फिलामेंट लैम्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या क्रिप्टन, जल्दी बताया बेटा इसका आंसर। बेटा सभी को पता होगा हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सी, सारे बच्चों ने आर्गन दिया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है, आर्गन का यूज करते हैं, क्यों, इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ, इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट बिकॉज इट इज इनर्ट गैस, ठीक बच्चे। आगे चलते हैं। द स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बेसिकली डिपेंड ऑन द जनरेशन ऑफ हीट, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्ज प्रेशर बोथ ए एंड बी या ओमिक रेजिस्टेंस। गाइस देखो ये बिल्कुल कराया हुआ, आप अगर मेरी स्पॉट वेल्डिंग को देखेंगे तो ये जितने क्वेश्चन है वहां पर मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप देखिए और बताइएगा मेरे को, अगर आपने वीडियो देखा है तो वो बच्चा बिल्कुल सही आंसर देगा। बेटा क्या होता था स्पॉट वेल्डिंग के अंदर, जिस बच्चे ने भी सी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, सी इज द राइट आंसर। बच्चे इसके अंदर क्या है कि आपका हम हीट का तो इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस है भाई, रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो हीट तो प्रोड्यूस होनी है, साथ के साथ इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं फॉर्जिंग प्रेशर भी अप्लाइड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रिकल प्रेस माइका इज यूज एज ए इंडक्शन हीटिंग, ठीक है, फॉर डायलेक्ट्रिक हीटिंग, एज एन इंसुलेटर या फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, जल्दी बताया बेटा इसका आंसर। माइका, माइका के बारे में मैं आपको बता देता हूं, तब तक आप आंसर दीजिए। माइका क्या होता है बेटा, इसकी क्वालिटी होती है इट इज बेस्ट कंडक्टर फॉर हीट बट बैड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है, माइका। और आप मेरे को बताइएगा जो बोर्ड बनते हैं हमारे वो कौन सी शीट के बनते हैं, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन सी, क्या इस्तेमाल करता है एज एन इंसुलेटर, देखिए बैड कंडक्टर तो क्या हुआ इट इज एन इंसुलेटर, प्लीज कीप दिस प्रॉपर्टी इन योर माइंड, ये भी पूछ ली जाती है आपसे। आगे चलते हैं। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज यूज फॉर एल्यूमिनियम, ब्रॉस, कॉपर, आयरन, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊष्मा चालकता हिंदी में अगर बोले तो, या थर्मल कंडक्टिविटी किसकी अधिक है इनमें से, तो गाइस इसका आंसर क्या है, बहुत से बच्चे आयरन के साथ जाएंगे, बिल्कुल गलत है, याद रखें कॉपर की ऊष्मा चालकता सबसे अधिक होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर नॉन फेरस मटेरियल, फेरस मटेरियल, एनी मेटल या डायलेक्ट्रिक, ठीक है, किसके लिए हम यूज नहीं करते, ये आंसर देना है, किसके लिए यूज करते हैं वो नहीं देना, ध्यान से देना आंसर, ठीक है, डायलेक्ट्रिक्स वेल्डिंग इसका आंसर है बेटा, जो भी बच्चा डी जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि हम फेरस नॉन फेरस सभी के लिए यूज करते थे, मैंने लिखवाए हैं कॉम्पोनेंट्स, लेकिन डायलेक्ट्रिक के लिए मैं एक स्पेशल वेल्डिंग यूज करता था, कौन सी करता हूं जरा वो भी बता दो, ये भी होमवर्क है आपका, ठीक है, आगे चलते हैं।
पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कुछ छुड़वाया नहीं है, एक एक पॉइंट और उसी पे क्वेश्चंस है। आगे बताएं बेटा, मटेरियल यूज इन प्लेट अर्थिंग इज आर वुड कॉल सॉल्ट अर्थ सॉल्ट अर्थिंग प्लेट या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या नन ऑफ द अबव। जल्दी बताएं बेटा इसका आंसर क्या होगा कि अर्थिंग के लिए कौन से मटेरियल का हम यूज करते हैं। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, जाहिर सी बात है सभी का यूज करते हैं हम, आपका चारकोल का, सॉल्ट का, अर्थिंग प्लेट का, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जिस बच्चे ने भी आंसर दिया है सी, उसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपना, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंड्यूट्स अवेलेबल, पीवीसी, फ्लेक्सिबल, हैवी गेज स्टील स्क्रूड कंड्यूट या ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी बताएं कंड्यूट पाइप किसके बने हुए होते हैं। आपने अगर देखे हो तो बेटा ये स्टील के भी बने हुए होते हैं, ये पीवीसी के भी बने होते हैं और ये फ्लेक्सिबल कंड्यूट भी आजकल आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 45 क्वेश्चन आज के सेशन में हमने डिस्कस किए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, बहुत इफेक्टिव रहा बच्चे, लगभग एक घंटे से कम में हमने 45 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अकेले लगाने बैठेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो बोर हो जाते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक है। ये बात आगे चलता हूं बेटा, अब आपको एक काम करना है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है गाइस, आज के जितने भी मैंने होमवर्क दिया है प्लीज कमेंट में लिख के, एक भी स्टूडेंट करेगा मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकियों का तो मैं नहीं कहता भाई, देश आजाद है, ठीक। अगर कोई एक करता है स्टूडेंट, पर्सनली मुझे अच्छा लगेगा, बाकी आप ही के लिए बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, कैसे सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी का, अनअकैडमी की साइट पर जाएंगे, गेट एंड ESC, फिर तीसरा सब्सक्रिप्शन बटन, चौथा आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, कोई सा भी। अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट है तो गाइज आपके लिए 2 ईयर वाला प्लान सबसे बेस्ट है। थर्ड ईयर में अपना गोल सेट करो यार, पढ़ो हचक के, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, पढ़ जाओ थर्ड ईयर में सिलेबस। फोर्थ ईयर में रिवाइज करना शुरू करो सेवन सेम में, फाइनल अपेयरिंग में गेट को क्रैक करो, घर जाओ अच्छे से खुशी खुशी। आगे बढ़ते हैं, जब अप्लाई करोगे कूपन कोड तो राहुल 11, नाम तो याद ही है, ठीक है, राहुल 11, ठीक, राहुल 11 नाम याद रखना है आपको, ठीक। अप्लाई करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, किसी का भी कोड यूज करोगे 10% मिलेगा, ठीक है, मेरा कोड यूज करोगे तो भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, EMI ऑप्शन अवेलेबल है, क्लिक करिए यहां पर और उसके बाद फाइनली पे करो, दैट्स इट। तो आज के लिए गाइस इतना, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आप सब आए आखिरी तक टिके रहे सारे क्वेश्चंस के, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा आंसर देंगे। अपना ध्यान रखो, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की मदद करो ज्यादा से ज्यादा, स्टे कनेक्टेड विद क्रिएटिक्स चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई वीडियो को शेयर कर दो बच्चों, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच गाइस।